हेलो गाइस, वेलकम टू पबजी मोबाइल टेक अलाइव लीग। इस सेकंड टूर्नामेंट के हाइलाइट्स में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज हमें देख रहे हैं कि कौन सी वो एक टीम है जो चिकन डिनर निकालती है। तो यहाँ पर तकरीबन 24 टीमें पार्टिसिपेट करती हुई इस टूर्नामेंट में, और इरेंगल का एक खूबसूरत मैप हमें दिखता हुआ, और यहाँ पर प्लेन हमारा चल पड़ा है। तो 24 टीमें तकरीबन भिट जाएंगी इस टूर्नामेंट में। तो कौन सी वो एक टीम है जो यहाँ पर चिकन डिनर निकालती है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पैसा पैराशूट खोलते हुए, और यहाँ पर कॉन्ट्रा के और जो टीममेट्स है वो अपने अपने लूट करते हुए, और यहाँ पर प्रीतम अभी बाहर से आकर यहाँ पर अपने कंपाउंड की तरफ बढ़ते हुए और यहाँ पर लूट का सामान इकट्ठा करते हुए, और उनके पास फ़िलहाल तो थॉमसन है, और अभी तक कोई रश गेम प्ले नहीं दिखा है हमको। और ये मैप देख सकते हैं आप, अभी पहला जोन गिरा है और ज़्यादातर टीमें है वो है जोन के बाहर है, एक फर्स्ट एड और बहुत सारी लूट लगभग मिल चुकी है, और मेरे ख्याल से जो बाकी टीमें हैं जैसे कि ईवल हंटर की जो टीम है वो कैंप कर बैठी है, उसके सामने ही ठीक दूसरी टीम है, टीम नंबर 9, और ईवल हंटर के सामने दूसरी टीम कैंप करके बैठी है। यहाँ पर हम व्यू देख सकते हैं कि कैसी टीम अपने अपने पोजीशंस लेकर कैंप करती हुई, और कोई भी अभी तक रश गेम प्ले ऐसा नहीं हुआ है। एक टीम के दो बंदे अलग अलग जगह पर, दो स्कूल में और दो यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, और उसके सामने ठीक दूसरी टीम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी तक कोई रश नहीं हुआ। ईवल रॉयल के प्रीतम और उनके साथी गाड़ी लेकर दूसरी जगह जाने की फिरात में, और यहाँ पर रॉयल यहाँ पर अपनी टीम मेट्स के साथ, और यहाँ पर जोन कटा है, और यहाँ पर 7 स्टार के पी, हालांकि नाम मुझे नहीं दिख रहा है, अपने साथी के साथ 7 स्टार डॉन के साथ जोन की तरफ बढ़ते हुए, जोन बहुत ही दूसरा काटेगा यहाँ पर, और ज़्यादातर टीमें जोन के बाहर है। हमें देख रहा है कि अभी तक कोई रश ऐसा गेम प्ले नहीं दिखा। यहाँ पर 7 स्टार के यश अपने टीममेट्स के पास जाते हुए, कोई भी बंदा अभी तक स्पॉट नहीं गया। ईवल हंटर की टीम डासिया लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई जोन की तरफ, यहाँ पर ब्रिज क्रैम्पिंग करते हुए अलाइव के टीममेट्स, यहाँ पर 7 स्टार पी टीम अपने टीममेट्स के पास जाते हुए, और यहाँ पर जो दूसरी टीम है वो पिक लेकर बैठी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्क्वाड के 3 मेंबर यहाँ पर पिक लेके बैठे हुए, मेरे ख्याल से 7 स्टार की टीम पर वो रश करने के मूड में, और यहाँ पर 7 स्टार के भी प्लेयर पिक लेकर बैठे हुए अपार्टमेंट्स में, 7 स्टार के P10 यहाँ पर नीचे झुक गए और वो पिक लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रश करने के मूड में कोई नहीं अभी तक। और यहाँ पर अलाइव की टीम हम देख सकते हैं और ईविल की टीम यहाँ पर कैम कर बैठी हुई अपार्टमेंट्स में, अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा रश देखने को नहीं मिला इस गेम प्ले में। बहुत सी टीमें अपने अपने टीममेट्स को संभाल कर और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होकर एक कैम कर बैठी है और खेल रही है। यहाँ पर थोड़ा फायर करने की कोशिश, उनको लगता है कि वो ऊपर की तरफ फायर करने से थोड़ा रश गेम प्ले होगा, तो ऐसा फ़िलहाल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सी टीमें आजू बाजू में ही है और अभी तक रश गेम प्ले नहीं हुआ। यहाँ पर ईवल हंटर की टीम स्कूल में लूट करती हुई, ईवल हंटर की एक टीम ने स्पॉट कर लिया है एक दूसरे स्क्वाड को, और यहाँ पर कार 98 से निशाना साधने की कोशिश, और यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाए, और यहाँ पर TS की टीम भी पिक लेती हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वो। यहाँ पर एक दूसरी टीम आती हुई और वो मेरे ख्याल से NSG की टीम पर, यहाँ पर द अपोजिट की एक मेंबर नॉकआउट हो चुके हैं और NSG की टीम ने नेड कुक किया है,
और वो यहाँ पर कैम्प कर कर बैठी है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से जब तक आप एक रश गेम प्ले नहीं कर सकते। तो इस हाइलाइट्स में मेरे ख्याल से कोई ऐसा रश गेम प्ले नहीं। और NXG की टीम ड्रॉप लूटते हुए ड्रॉप लूट कर वो गाड़ी में बैठ कर यहाँ से जाने की फिरार्त में, और यहाँ पर थोड़ा सा रश गेम प्ले दिखने को मिल सकता है हमें NXG के आशु ओपी और ईवल हंटर के यहाँ पर जो मेंबर्स है वो यहाँ वो कैंप कर कर बैठे हैं स्कूल के बाजू वाले जो अपार्टमेंट होता है यहाँ पर गाड़ी को फोड़ने की कोशिश, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दे चुके हैं गाड़ी को, और यहाँ पर NXG की टीम डैमेज देना चाहेंगी। फिलहाल तो उनके ऊपर जो एक स्क्वाड है अलाइव साईनाथ, उनका स्क्वाड रश करता हुआ यहाँ पर रॉयल कारबार की टीम और उनके स्क्वाड रश करते हुए टीममेट्स पर, और यहाँ पर जोन में अटके हुए शुभ और उनको ही ख़त्म कर दिया है एक बंदे ने, और वो जोन की तरफ जाते हुए यहाँ पर कॉन्ट्रा ऋषि भी अपना गेम सही से खेलते हुए कॉन्ट्रा की टीम अच्छी तरह अपना कैम्प कर कर बैठी है, और यहाँ पर NXG के एक मेंबर नॉकआउट हो चुके हैं लेकिन उनको रिवाइव दिया जा रहा है, और फर्स्ट एड भी काफ़ी है उनके पास मेरे ख्याल से, अच्छी खासी लूट है उनके पास स्मोक का आधार लेते हुए। यहाँ पर मुझे लगता है कि NXG के बजाय जो ईवल की टीम है थोड़ी खतरे में होगी, क्योंकि ठीक सामने ही और यहाँ पर रश गेम प्ले हो गया है। ईवल की टीम को एक बंदे नॉकआउट हो चुके हैं और दूसरे बंदे को भी नॉकआउट कर दिया है इनसेंट की टीम ने, और यहाँ पर ईवल की टीम नॉकआउट हो जाती है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से 4-2 की सिचुएशन, और NXG का एक बंदा रिवाइव हो गया है, और यहाँ पर इनसेंट के एक बंदे ने यहाँ पर गिली सूट पहना रखा है, और उसके ठीक सामने है जो NXG की टीम, और थोड़ा सा डैमेज लेते हुए इनसेंट की टीम, और यहाँ पर पिक कर लिया है और यहाँ पर नॉकआउट कर दिया है इनसेंट के स्क्वाड के मेंबर को, और दूसरी तरफ से भी इनसेंट की टीम को नॉकआउट कर दिया है, और ये मैच जो है वो NXG की टीम अपने खाते में लिखते हुए, और यहाँ पर NXG की टीम ने चिकन निकाला है।